अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ये एक सीक्वेंस है कॉज एन ओवर एन, तो इसको मैं शो करूंगा कि इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो आती है, और ये मैं प्रूव करूंगा बाय स्क्वीज थ्योरम। आगे जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं स्क्वीज थ्योरम एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि स्क्वीज थ्योरम जो है वो किस तरह यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट, यहाँ पर हमें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी नहीं गिवन, तो अगर सिंपल लिमिट भी लिखा हुआ तो इट इज़ अंडरस्टूड के एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि हमने इस के ऊपर जो लिमिट लेनी है वो यहाँ पे एन की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर लिमिट मेंशन नहीं है सीक्वेंस के लिए तो इट इज़ अंडरस्टूड के लिमिट एन की लिमिट जो है वो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो अब मैं स्क्वीज थ्योरम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्क्वीज थ्योरम क्या है और ये कैसे यूज़ होगा। तो इसकी मैं इसका लेआउट दे देता हूँ स्क्वीज थ्योरम का। स्क्वीज थ्योरम में हमारे पास तीन सीक्वेंसेस होती हैं, एक्स एन, वाई एन, जेड एन, और ये इनके दरमियान रिलेशन है, यानी कि एक्स वन की टर्म वाई एन की टर्म से लेस देन इक्वल और इसी तरह वाई एन की टर्म जेड एन से लेस देन इक्वल। तो ये रिलेशन होल्ड करता है इन टर्म्स के सीक्वेंस के दरमियान। तो अगर लेफ्ट वाली जो सीक्वेंस है एक्स एन और राइट वाली जो सीक्वेंस है जेड एन, इनकी अगर लिमिट एल आए, यानी कि ये सीक्वेंसेस जो लेफ्ट और राइट पे ये कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर स्क्वीज थ्योरम कहता है जो मिडल में जो सीक्वेंस है वाई एन वो भी कन्वर्ज करेगी और उसकी लिमिट एल ही होगी। तो अब मैं इस ये जो सीक्वेंस मुझे गिवन है कॉस एन ओवर एन को, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले कॉस एन जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वन आती है। अब इस कॉज एन मॉड लेस देन वन को ओपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिजल्ट वो है कि एक्स मॉड अगर लेस देन इक्वल्स टू ए है तो दिस इंप्लाइज माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ पे एक्स कॉज एन है और ए जो है वन है, तो इसमें एक्स की जगह कॉज एन पुट कर दें और एक जगह वन पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए लेस देन इक्वल टू कॉज एन एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू वन। तो ये हमने इस ऊपर जो कॉज एन मॉड लेस देन वन था इसको ऐसे ओपन कर लिया। अब मैं डिवाइड करूंगा एन के साथ, क्योंकि एन पॉजिटिव इंटीजर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, माइनस वन ओवर एन आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू कॉज एन ओवर एन और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू वन ओवर एन। अब लेफ्ट में मेरे पास सीक्वेंस है एक्स एन, ये जो सीक्वेंस है ये एक्स एन है, ये दरमियान वाली सीक्वेंस जो है वाई एन है, और राइट पे है वो है जेड एन। तो जो लेफ्ट वाली सीक्वेंस है माइनस वन ओवर एन, इसकी लिमिट लेते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये इसकी लिमिट ज़ीरो आएगी। सिमिलरली राइट साइड पे जो हमारे पास सीक्वेंस है विच इज़ वन ओवर एन, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो। तो दोनों जो लेफ्ट और राइट वाली जो सीक्वेंसेस हैं उनका आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो स्क्वीज थ्योरम ये कहता है कि जो मिडल वाली हमारे पास सीक्वेंस है विच इज़ कॉज एन ओवर एन, इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा, और ये स्क्वीज थ्योरम के थ्रू हम इसका आंसर जो है वो जो यूज़ करेंगे और इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस कॉज एन ओवर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो है। तो ये हमने स्क्वीज थ्योरम के थ्रू इसको शो कर दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।